अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का दिन काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ था, घर वालों ने जाना था इस्लामाबाद, तो बस उनकी मसरूफियात में सारा दिन गुजर गया, जिस वजह से कोई व्लॉग वगैरह नहीं बना सका या फिर किसी बाहर फूड रिव्यू में नहीं जा सका। तो मैंने अब घर आया हूँ, तकरीबन 12-1 बज चुका है और काफ़ी ज़्यादा धुंध और सर्दी की वजह से मेरा दिल कर रहा था जी जलेबियाँ खाई जाएँ या कुछ इस तरह का हो जो मतलब सर्दी की मुनासिबत से हो। तो मैंने फिर कहा चाहिए जो घर में मौजूद है उसी की चीज़ बनाई जाए, तो हमने बना ली है। आपने देख ही लिया होगा, हमने देखा होगा या कैप्शन में लिखा हुआ है सारा कुछ, तो आपने देख ही लिया होगा। मैं गया हूँ जलेबियाँ खाने के लिए, वहाँ से मुझे कहीं से नहीं मिली हैं। वो हमारे जलेबी मास्टर थे, वो जिनकी हमने वीडियो अपलोड की थी उनसे भी नहीं, उनके वो भी चले गए हैं, तो धुन काफ़ी ज़्यादा थी। तो मैंने सोचा अब कहाँ जाना है, तो इधर घर में जो है वो कुछ ट्राई कर लेते हैं। तो मैंने फिर घर में ही ट्राई की हैं, आप देखें रेसिपी देखें और मुझे भी बताइएगा कि कैसी बनी है, इसके अंदर कुछ और ऐड हो सकता है या जो भी है ये मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और दूसरी चीज़ ये कि व्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, इतने सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, तो काइंडली सब्सक्राइब ही कर दें चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलें जी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हमारे पास रेसिपी में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो हमारे पास आधा कप है मैदे का, आधा कप है हमारे पास पानी है, ये सिंपल पानी है। उसके बाद एक कप हमारे पास चीनी है और चार छोटी इलायचियां हैं। और इसके बाद हमारे पास है ये थोड़ा सा गर्म पानी करना है, इसको हम बताते हैं कैसे यूज़ करना है, लेकिन ये 2-3 चम्मच आपके पास होना चाहिए थोड़ा नीम गर्म पानी। और उसके बाद हमारे पास एक्टिव ईस्ट है, उसके बाद फूड कलर है, ये हमारे पास घी का एक टीस्पून है, ये हम देसी घी यूज़ कर रहे हैं, आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास एक चम्मच है चीनी और एक चम्मच है बेसन और एंड पे है हमारे पास एक लीमू, आधा लीमू, ठीक है आप यूज़ ये लाजमी है। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे ये वाला जो पानी है इसको गर्म करेंगे, थोड़ा सा नीम गर्म कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको करते हैं गर्म, चूल्हा मैंने पहले चला लिया, तो मैं इसको गर्म करके आया। तो अब हम निकाल लिया पानी गर्म, तो इसमें डालेंगे पानी, ये बिल्कुल नीम गर्म पानी है, तो ये नहीं कि ज़्यादा गर्म इसमें हमने यूज़ नहीं किया। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे ये ईस्ट जो कि एक टीस्पून है हमारे पास, उसके साथ हम डालेंगे ये चीनी का एक चम्मच जो हमारे पास मौजूद है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसको अनटिल राइस, ये थोड़ा सा राइस हो जाएगा इससे, ठीक है वो इसके लिए हम इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे, साइड पे रख देंगे ताकि ये वीडियो के साथ थोड़ा राइस हो जाएगा। अब आ जाते हैं जी हम बाकी इंग्रेडिएंट की तरफ। तो उसके लिए हम सबसे पहले जो है वो लेंगे एक बाउल, उसके अंदर डालेंगे हम आधा कप मैदे का। तो मैदा डालने के बाद हम एक चम्मच हमारे पास बेसन का ये डालेंगे और इसके अलावा इसके अंदर हम डालेंगे फूड कलर, उसके साथ में डालेंगे जो हमारे पास ये घी है इसको हम थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे। मेल्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि जल्दी से इसके अंदर जो है ना वो साफ हो जाए। तो ये देखें हम निकाल लिया स्मेल, अब इसको हम डालेंगे अच्छी तरह से मिक्स। हम डालेंगे इसमें पानी, ये हमारे पास पानी का, उसके साथ में डालेंगे जो हमारे पास चीनी का एक कप था वो डालेंगे और इसके साथ ही हम इसके जो है वो छोटी इलायची भी साथ डालेंगे। इसको थोड़ा सा हम हिलाते रहेंगे, थोड़ा पकाएंगे जब तक ये थोड़ा सा स्टिकी स्टिकी सा हो जाए, ठीक है थोड़ा सा शार्प कर लेंगे इसके अंदर। चलिए इसको हम सबसे लगाते रहेंगे, उसकी वजह यह है कि अगर आप इसे लाएंगे नहीं तो फिर ये नीचे लग जाएगा, ठीक है जिससे ये जो चीनी है ये नीचे लग जाएगी, इसकी स्मेल भी आएगी और दूसरा ये कोई इसका खास टेस्ट भी नहीं बनेगा। तो जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता आप इसको हलाते रहें, आपको दिन आज भी आपने इसको मुसलसल जवाब होना है। तो रेसिपी ट्राई करें और लाजमी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको रेसिपी कैसी लगी है, और सब्सक्राइब लाजमी कर दें क्योंकि व्यूज़ जो हैं वो सब्सक्राइबर से बहुत ज़्यादा हैं। तो हमारे पास जो नोटिफिकेशन आती हैं उनके अंदर ये वाजिया लिखा होता है कि जिन लोगों ने ना सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो लोग ज़्यादा हैं, मतलब कह लें कि 70% ऐसे लोग वीडियोस देख रहे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो सब्सक्राइब तो लाजमी कर दें, वो हमारा हक भी बनता है और आपका फ़र्ज़ भी बनता है। तो चलें ये देखें अब इसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है, तो ऐसे ही आपने करना है, इसको हिलाते रहना है, हिलाते रहना है, हिलाते जाएँ हिलाते जाएँ हिलाते जाएँ अनटिल के ये इसके अंदर ऐसे मिक्स हो जाए जैसे इंसान मरने के बाद मिट्टी में हो जाता है। इस चीनी को ऐसे गायब कर देना जैसे रिश्तेदारों से आपको कोई काम हो तो रिश्तेदार गायब हो जाते हैं, दोस्तों से काम हो तो दोस्त गायब हो जाते हैं, ऐसे चीनी भी इसके अंदर से गायब हो चुकी है। अब हम इसके अंदर जो है ना वो लीमू ऐड कर देंगे, लीमू के बीज निकाल लें क्योंकि फिर वो उसका कोई मतलब अच्छा टेस्ट नहीं होता और ना ही अच्छा इंप्रेशन होता है। इसको मिक्स कर लें, अब इसको आपने गर्म ही रखना है। तो गर्म रखने की तरकीब ये है कि आप इसको इस तरह से साइड पे कर दें, आप अपना जो दूसरा सारा आपका भी अमेज है उसको मिक्स कर लें अच्छे से, वो जैसे तैयार होगा उतनी देर में आप इसको फिर से थोड़ा सा कर लें, इसके नीचे आग जला के इसको ठीक से गर्म कर लें क्योंकि ये जितना ज़्यादा गर्म होगा उतना ज़्यादा मिक्स होगा आपकी जलेबी में। तो चलें अब दूसरा अमेज़ा तैयार करते हैं।
तो अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल इसकी जो थिकनेस है वो परफेक्ट आ गई है, लेकिन मुझे थोड़ा सा इसका कलर जो है वो लग रहा है थोड़ा सा मतलब लाइट है, तो इसको थोड़ा सा डार्क करने के लिए मैं इसमें फूड कलर ऐड कर लूँगा रेड कलर में, बिल्कुल लाइट सा। तो ये मैंने डाली है एक ड्रॉप जो है वो रेड कलर में फूड कलर जो है, इसको इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल, ऑयल जो है वो इतनी मिकदार में होना चाहिए कि आपकी जलेबी जो भी आप बनाएं वो कम से कम उसके अंदर जो है वो डिप हो सके। आप देख सकते हैं कि ये कितनी परफेक्ट बनी है, ठीक है, मतलब अगर आप घर में इस तरह की बना सकते हैं वो भी पूरी आपके पास चीज़ें नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद आप इस तरह की चीज़ बना रहे हैं, इट्स मीन यू आर जीनियस लाइक मी। जैसे इनका थोड़ा सा कलर चेंज हो आप इनकी साइज चेंज कर लें, आप देख सकते हैं कि इनका कलर जो है वो चेंज हो चुका है, तो इसलिए हम इनको चेंज कर इधर से उठाएंगे और शीरे में डाल देंगे। तो शीरे के नीचे जो है वो थोड़ी सी आग जल रही है, इसको उठाएंगे इनके अंदर डाल देंगे। जलेबियाँ बनके हो चुकी हैं जी रेडी और बहुत मज़े की हैं, क्रिस्पी हैं बहुत ज़्यादा, कुछ क्रिस्पी हैं जो मुझसे जल गई हैं वो ज़्यादा क्रिस्पी हैं जो नहीं जली हैं वो सोखी सोखी हैं, तो टेस्ट तो काफ़ी अच्छा, मैंने अबू को चेक करवाई हैं, उन्होंने तो कहा जिंदाबाद मुआशर यार मज़ा ही आ गई। तो मैं जलेबियाँ तो नहीं खाऊँगा, लेकिन मैं इसके साथ जो है वो दूध के अंदर डाल के जलेबियाँ खाऊंगा। दूध मैंने कर लिया नीम गर्म, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले वीडियो के शुरू में ये बताया था कि भाई सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो इधर कहीं पे आ रहा होगा कोई, जो भी दिखा आ रहा है ना बस वो कर दें, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में या नेक्स्ट रेसिपी में कुछ में भी। अल्लाह हाफिज़।